और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली को संबोधित करती हुई, क्योंकि यूपी का रन जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुरू किया है। प्रियंका गांधी क्या कह रही है, सुनते हैं। पूरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परेशानी है, कितना त्रस्त है। आज खाद नहीं मिलती है उनको, तमाम मुश्किलें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ गए हैं, उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है। कोरोना आया, मैं जानती हूं कि कितने लोग उत्तराखंड से दिल्ली में काम करते हैं, किस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस पहुंचाया। मैं जानती हूं कि उनको वहां पे भगवान पर भरोसे छोड़ दिया गया। एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है, खुद संभालो, कैसे पहुंचोगे, पैदल पहुंचो। हमने कहा बसों के काम इंतजाम करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके लिए हमने कहा हम बसों का इंतजाम करेंगे, उसको भी मना कर दिया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में से है। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन बनता है वो पूरे देश के लिए काफी था, हर अस्पताल में पहुंच सकता था। 2020 में कोरोना आया, दूसरी लहर 2021 में थी, आपके पास 1 साल था। उस 1 साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया, आपने वैक्सीन का निर्यात किया, और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना ऑक्सीजन। और किस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना को सहा, अपने प्यारों को खोया, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस किन दिनों से गुजरे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ठीक है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं, आप जानते हैं कि महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, जहां देखो परेशानी ही परेशानी दिखती है। आप कुछ खरीदने जाते हैं वो महंगा हो गया, खरीद नहीं पाते। आपको किसानी करनी है उसमें कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाना है वो भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, BHEL जैसे उद्योगों को बेचने की योजना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, वही फूल रहे हैं, पल रहे हैं, फल रहे हैं। कल का बजट आपने देखा, कल के बजट में गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या था? कुछ नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे कहा कि हीरे का दाम सस्ता हो गया है, हीरे का दाम सस्ता हो गया और दवा का दाम ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। तो आप सोचिए, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप आंखें कब खोलेंगे, आप सच्चाई कब देखेंगे? जीवन दिख रहा है, हर रोज संघर्ष है, सुबह उठते हैं संघर्ष है, आज ये परिस्थिति आ गई है कि